तो जी हाँ नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। आज का इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके कस्टमर आपके पास आटा पिसाने क्यों नहीं आते, या कोई भी कस्टमर आपके पास शुरुआती में या बाद में आटा पिसाने क्यों नहीं आता है, क्या कुछ कारण होता है, क्या कुछ कारण आपको बदलाव लाना है, कितना मेहनत करना है ताकि आपका आटा चक्की आगे चले, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली चाहता हूं कि मैं आपको कुछ नया दूं ताकि अब तक नई जानकारी पहुंचे, आप इस बिजनेस में आगे बढ़े। आप जो गलती कर रहे हो अपने बिजनेस में शायद आप जाके उसे आगे ना करें, ठीक है। तो मैंने दोस्तों पॉइंट हालांकि लिख लिया है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, अच्छा काम। अगर आप कस्टमर के साथ अच्छा काम नहीं करेंगे तो कस्टमर आपके पास कभी भी पिसाई कराने नहीं आएंगे। सपोज दैट आप मान लो आपके पास एक बार कोई कस्टमर अपने आटा या मक्का का पिसाई कराने आया, सॉरी अगर आटा ही पिसाने आया, अगर आप मान लो किसी भी कारणवश आप उसके आटा को मान लो अगर ज़्यादा मोटा पीस देते हो या ज़्यादा जला देते हो या ख़राब कर देते हो, तो दोबारा वो कस्टमर आपके पास कभी भी नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। दोस्तों मैं बात करते रहता हूँ काफ़ी सारे बिजनेसमैन से, तो मुझे जानने को यही मिलता है कि अगर आप पहली बार उनका माल को ख़राब कर दिए या मोटा कर दिए या ज़्यादा पतला कर दिए, हालांकि पतला तो कस्टमर को चाहिए, कस्टमर का शौक दोस्तों हमेशा होता है कि हमें मैदा क्वालिटी का आटा चाहिए, ठीक ना। तो उनके साथ आप अच्छा काम करें, अगर अच्छा काम अच्छा पिसाई आप करेंगे तो कस्टमर कभी भी आपकी दुकान आपके आटा चक्की को छोड़ के दूसरे के पास तो कभी नहीं जाएंगे, डेफिनेटली। सेकेंड पॉइंट मैंने दोस्तों लिखा है, सेकेंड पॉइंट पिसाई का रेट। जी हाँ, पिसाई का रेट दोस्तों एक काफ़ी अहम कारण होता है। मान लो आप अगर नया आटा चक्की का दुकान खोलो या पुराना ही आपके पास अगर दुकान है आटा चक्की का, आप अगर मान लो सपोज दैट 5 रुपये केजी का पिसाई कर रहे हो आटा का, ठीक ना, और आपके गांव में या जहां भी आपका मिल दुकान हो वहां पे अगर कोई और आटा चक्की है, अगर वो दोस्तों अगर 4 रुपये या 3 रुपये पिसाई करता है तो आपके पास छोड़ के कस्टमर वहाँ पर जाएंगे। ये दोस्तों सत्य है। आप इसे मान लो, बिजनेस में कस्टमर किसी का नहीं होते, कस्टमर अपने बाप का भी नहीं होते। कस्टमर को जहाँ चीप एंड बेस्ट दिखेगा कस्टमर वहीं पे जाएंगे। अगर आप 5 रुपये पिसाई कर रहे हो और कोई अगर 4 रुपये या 3 रुपये पिसाई करता है तो कस्टमर उनके पास ही जाते हैं। ये आप भी ये बात को मानते होंगे, ठीक ना। और तीसरा पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कंपटीशन, ठीक ना। कंपटीशन के कारण भी कई कस्टमर आपके पास नहीं आते। सपोज दैट आपके गांव में आपके शहर में आपके मोहल्ला में मान लो आपका एक दुकान है, आपके बगल में अगर और आटा चक्की है या आपके मोहल्ला में कॉलोनी में और ढेर सारे आटा चक्की है, तो वहां पे दोस्तों कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कस्टमर तो एक दोस्तों मान लीजिए लिमिटेड है, ठीक है ना। कस्टमर तो ज़्यादा है नहीं, दुकान ज़्यादा है, तो कस्टमर जाए तो जाए कहाँ जाए, ठीक है ना। तो कस्टमर वहाँ पे बट जाते हैं, ठीक है ना। आधा कस्टमर यहाँ पे चला गए, आधा कस्टमर वहाँ पे चला गए, वहीं क्या होता है अगर तीसरा फिर से आटा चक्की खोल दिया तो उसके पास कोई कस्टमर नहीं जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर बटे हुए। तो ये कारण भी काफ़ी अहम कारण होता है, ठीक है ना। तो आप बिजनेस जहाँ पे करते हैं ना भैया, तो अगर ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो ना करें, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा भैया। मान लीजिए अगर ऑलरेडी उनके कस्टमर बने हुए हैं तो आपके पास कस्टमर कभी भी नहीं आएंगे भैया, कभी भी नहीं आएंगे। आप माथा पटक के मर जाओगे ना, तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों आप कभी भी वैसे जगह पे बिजनेस ना करें जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक ना। आपको काफ़ी मेहनत लगेगा वहाँ पे, ठीक ना। और चौथा दोस्तों आखिरी पॉइंट है, लॉयल फैन वर्सेस हल्का सा पैसा बचाने वाले फैन। अगर आपका दोस्तों लॉयल फैन है, मतलब लॉयल अगर आपका कस्टमर है, ठीक ना, अगर लॉयल कस्टमर है, एक कस्टमर क्या होता है कि लॉयल होता है, आपके पास ही आटा पिसाएगा तो आपके पास ही आटा पिसाएगा, वो दूसरा दुकान में कभी भी नहीं जाता है, उसको बोलते हैं लॉयल कस्टमर, ठीक ना। अगर आपका दुकान बंद भी है आप उसको अगर बोल दोगे भैया कल पिसेंगे तो आपके पास ही पिसाएगा, क्योंकि उसको आपके ऊपर विश्वास है। एक कस्टमर का दोस्तों विश्वास बन जाता है एक आटा चक्की एक दुकान के ऊपर। अगर विश्वास कस्टमर का आप जीत लिए ना, अगर कस्टमर का विश्वास को जीत लेते हो तो कस्टमर आपको छोड़ के कभी भी दूसरे के पास नहीं जाएंगे दोस्तों। आपका अगर दुकान 5 दिन बंद भी है ना तो कस्टमर आपके पास ही आटा का पिसाई कराएंगे, उनको बोलते हैं लॉयल फैन, मतलब लॉयल कस्टमर। और दूसरे दोस्तों होते हैं पैसा बचाने वाले कस्टमर, ठीक ना। अगर आपका दुकान बंद है तो दूसरे पास भी पिसाई कराने जाएंगे, अगर वहाँ पर सस्ता मिला। एक कस्टमर तो क्या होता है कि आप अगर महंगा भी पीसोगे, मान लें
अगर आप आज 4 रुपये आटा का पिसाई कर रहे हो, कल अगर आप रेट मान लो किसी भी कारणवश अगर बढ़ा देते हो, आज अगर आप 4 रुपये पिसाई कर रहे हो, कल अगर 5 रुपये पिसाई करते हो, तो वो कस्टमर क्या होता है कि आपके पास ही आटा पिसाएगा, वो समझता है कि महंगाई बढ़ रहा है। दूसरा कस्टमर क्या होते हैं, अगर आप हल्का सा रेट इंक्रीज मतलब अगर बढ़ा दोगे ना भैया, तो आपके पास से छोड़ के दूसरे के पास चला जाएगा। आप अगर 5 पीस रहे हो, अगला अगर 3 पीस रहा है, तो वो अगला के पास से जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। उसको बोलते हैं पैसा बचाने वाला कस्टमर। तो ये दोस्तों 4-5 कारण था जो आपको सुधारना है अपनी आटा चक्की का बिजनेस में, ठीक ना। अरे ये दोस्तों काफी अहम नियम है, ये जो भी दोस्तों कारण मैंने आपको बताया कोई सत्य नहीं है दोस्तों, मैं खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो मैं दोस्तों अनुभव कर सका हूँ इस बिजनेस में। आज 5 साल से मैं दोस्तों इस बिजनेस में हूँ, काफी कुछ मुझे भी सीखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों मैं अभी और सीख रहा हूँ, सीखने की कोई अंत नहीं होती है। तो मैंने आपको जो बताया आपने एक्सपीरियंस के अनुभव पे बताया, आपको अगर पसंद आई होगी वीडियो, वाकई में अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो लंबे वक्त तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही डेली वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद।